जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि अरुण जेटली का आज निधन हो चुका है और वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग वीडियो में करेंगे अरुण जेटली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इसके साथ आपको मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको जरूर दबाइएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि अरुण जेटली का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों अरुण जेटली का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 28 दिसंबर 1952 को, और पूछा जाए कहाँ हुआ था तो ये हुआ था दिल्ली में। ओके, क्वेश्चन आता है कि अरुण जेटली का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लगा सकते हैं 28 दिसंबर 1952 को दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2014 लोकसभा चुनाव में अरुण जेटली ने कहाँ से चुनाव लड़े थे, मतलब जो 2014 का लोकसभा चुनाव था उसमें जो अरुण जेटली थे वो लोकसभा चुनाव से कहाँ लड़े थे, तो ये लड़े थे अमृतसर में। तो यहाँ पे जब लड़े थे तब इनकी क्या हुई थी, करारी हार हुई थी। ओके, तो कांग्रेस के कोई नेता थे वो यहाँ से जीत गए थे। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन इस टाइप का है कि अरुण जेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष कब बने थे। तो दोस्तों ये बने थे 1974 को दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अरुण जेटली जो थे जिनका निधन हुआ है वो क्या थे। तो वो दोस्तों थे पूर्व वित्त मंत्री। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है कि अरुण जेटली का जन्म कहाँ पे हुआ था। मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, अब अगला क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था दिल्ली में। ओके, और नेक्स्ट है हमारा, अरुण जेटली जो थे इन्होंने बीजेपी की सदस्यता कब हासिल की थी। तो दोस्तों अरुण जेटली ने बीजेपी की जो सदस्यता जो हासिल की थी वो सन 1980 में हासिल की थी। और नेक्स्ट है हमारा, अरुण जेटली जो थे तो उन्होंने पहली बार कैबिनेट मंत्री कब बने थे। तो दोस्तों ये बने थे 2000 में। ओके, जब भाजपा की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनता है आपका, अरुण जेटली को सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड कब मिला था। तो दोस्तों अरुण जेटली को बेस्ट सांसद का अवार्ड मिला था 2010 में। ओके, अगला क्वेश्चन है, अरुण जेटली ने बजट कितनी बार पेश किया है जब जब ये मंत्री बने हैं। तो टोटल इन्होंने अपने लाइफ टाइम में कितनी बार बजट पेश किया, तो ये हो जाएगा 5 बार। अगला क्वेश्चन है कि अरुण जेटली ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों अरुण जेटली के द्वारा मैं आपको दो पुस्तकें बताऊंगा। एक पुस्तक है इनकी आर्टिकल एंड स्पीचेस बाई अरुण जेटली, एक कंपाइलेशन। अगला है क्वेश्चन, जीएसटी समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो जीएसटी समिति के जो पहले अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे अरुण जेटली। और जीएसटी लागू कब हुई थी, ये 1 जुलाई 2017 में हुई थी जब नरेंद्र मोदी की सरकार थी, उस टाइम ये थे वित्त मंत्री। ओके, एक और क्वेश्चन है कि अरुण जेटली के द्वारा एक पुस्तक है दोस्तों अंधेरे से उजाले की ओर, तो भारत के किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लिखी गई, ये हो जाएगा अरुण जेटली। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अरुण जेटली के द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई है, तो ये हो जाएगा अंधेरे से उजाले की ओर। अगला क्वेश्चन बनता है गाइस, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अरुण जेटली को कौन सा मंत्री बनाया गया था। तो दोस्तों ये बनाया गया था सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री, जो कि बनाए गए थे 1999 में जब अटल बिहारी की सरकार थी। अगला क्वेश्चन है, नोटबंदी के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे। तो मैंने आपको अभी क्वेश्चन में बताया था कि जब नोटबंदी हुई थी 1 जुलाई 2017 को, तो ये वित्त मंत्री जो थे वो थे
अरुण जेटली। ओके तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ज्योग्राफी का कि वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी होती है तो वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों वो कहलाता है भूगर्भ वेत्ता। ओके और अगला क्वेश्चन जो बनता है कि सूर्य के नहीं होने पर आकाश का रंग कैसा होगा। तो जब अगर दोस्तों सूर्य ही नहीं होगा तो आप अर्थ पर रहते हैं तो आपको अर्थ पे जो बादल दिखेंगे मतलब जो आकाश दिखेगा वो दिखेगा काला। अगला है किस मिट्टी का निर्माण रूपांतरित और खादर चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। तो दोस्तों ये हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी। और नेक्स्ट है हमारा किस विधि से मिट्टी युक्त पानी को साफ करते हैं। तो दोस्तों निथार विधि से मिट्टी युक्त पानी को साफ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन सी पहाड़ियाँ वहाँ पाई जाती हैं जहाँ पूर्वी व पश्चिमी घाट मिलते हैं। तो ये हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला है ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज नदियों के उद्गम स्थान हैं। तो ये हैं तिब्बत में। अगला है कौन सी रेखा भारत से गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा जो है वो भारत से गुजरती है। ओके अगला क्वेश्चन तो दोस्तों बनता है हमारा भारत के जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो नागार्जुन सागर बांध जो बना हुआ है गाइस वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा की लंबाई पता करने वाला पहला भूगोलज्ञ कौन था। तो वो था इरेटोस्थेनेस। अगला क्वेश्चन है टाइगर फॉल कहाँ स्थित है। तो टाइगर फॉल जो स्थित है वो चकराता जो कि पड़ता है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है हमारा तलाऊ भूमि का अर्थ क्या होता है। तो तलाऊ भूमि का जो अर्थ होता है वो सिंचित भूमि होती है। अगला क्वेश्चन है किस काल को मानसून के वापस आने की ऋतु कहा जाता है। तो ये कहते हैं अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। अगला है ज्वालामुखी माउंट विसुवियत कहाँ स्थित है। तो माउंट विसुवियत जो स्थित है वो स्थित है इटली में। अगला है ग्रेनाइट किस प्रकार का सैल है। तो ग्रेनाइट जो है वो एक प्रकार का आग्नेय सैल है। अगला है कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। तो दोस्तों शुक्र ग्रह जो है उसको पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं। और अगला है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सी है। तो जो सर्वाधिक मात्रा में गैस है वो है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है किन दो देशों के मध्य की सीमा को डुरंड लाइन कहा जाता है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ओके अगला क्वेश्चन है आम तौर पर रेगुर मृदा कही जाने वाली मृदा का नाम का यह नाम भी है मतलब कौन सा नाम है काली मृदा। अगला है किस स्थान को सतपुड़ा की पहाड़ी कहा जाता है सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो है ये है पंचमढ़ी जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो भारत में स्थान है वो चौथा है। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल में बुध ग्रह। नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये हो जाएगी गंगा नदी। अगला उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग बनावरण है। तो ये हो जाएगा लगभग 9.01%। अगला है सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक
महासागर। नेक्स्ट है वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड बारिश से धुल जाते हैं, तो ये हो जाएगा औद्योगिक धूम निर्माण। अगला हिमनदीय निक्षेप किस भू आकृति या प्रक्रिया से संबंधित है, तो ये हो जाएगा गोलासमी मृत्तिका। और लास्ट है हमारा उत्तरी प्रशांत सागर के पश्चिम की तरफ एक कोष्ण उत्तराभिमुख प्रभावित महासागरीय धारा कौन सी है, तो ये हो जाएगा क्रूसियो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।